हाय दोस्तों कैसे हो आप सब तो so, दोस्तों आज के इस वीडियो में ना हम ये एक्समेट का जो ब्लूटूथ स्पीकर है एंड हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग प्लस इसकी हम क्वालिटी भी चेक करेंगे कि कैसी है एंड प्लस मैं आपको इसमें जो है मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं मेरा रिव्यू दूंगा कि वेदर अगर ये स्पीकर आपको ये रेट में मिलता है तो आपको लेना चाहिए या नहीं सो लेट स्टार्ट विद वीडियो दोस्तों एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्पीकर की जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको सारी की सारी शेयर करने वाला हूं सो so, ये आप जैसे कि देख सकते हो दिस इज द बॉक्स ऑफ दिस ब्लूटूथ स्पीकर एक्समेट अब हम इसके देख लेते हैं कि चारों तरफ क्या चीजें दी है सो so, यहाँ पे ये जो आप सबसे पहले देख सकते हो ये लिखा है एक्समेट थिएटर ब्लूटूथ फाइव वाट्स पार्टी स्पीकर देन इस तरफ जो है ये अच्छी खासी डिज़ाइन दी हुई है And यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे आप देख सकते हो इसकी कनेक्टिविटी जो है दैट इज़ ब्लूटूथ 5.0 एंड देन जो ट्रांसमिशन रेंज है ये टू 10 मीटर्स की है फ्रीक्वेंसी रेंज है देन स्पीकर साइज़ है ये 40 एम mm की है स्पीकर का जो पावर है वो लिखा है फाइव वाट्स इंटू वन बैटरी इज़ एट फिफ्टी एम एच प्ले टाइम जो है ये अप टू फोर आवर्स तक का दे देगा एंड चार्जिंग पावर सो बेसिकली जो हमारे जो चार्जिंग पावर है जो सॉकेट है उनका ये लिखा है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स दी है चलो अब हम इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स एंड फिर हम इसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं एंड ऑबियसली इसका साउंड भी चेक करते हैं तो ये आपने जैसे देखा ये बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर हमें मेन जो है वो स्पीकर मिला दिस इज द 3.5 पॉइंट फाइव चार्जिंग केबल विच यू कैन कनेक्ट विथ एनी चार्जर दैट यू हैव जिसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो ये ऑक्सिलरी केबल एंड ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अब मैं आपको ये स्पीकर के जो है वो चारों तरफ क्या चीज़ें दी है वो आपको बता देता हूँ सो so, ये हमने ये स्पीकर को जो है हमने प्लास्टिक के अंदर से निकाल दिया है एंड ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिखता है ये जो सारे बटन्स है ये सारे फंक्शनल बटन्स है इसका मैं आपको सारों को जो है ये यूज़ आपको बता दूँगा यहाँ पर एक्समेट लिखा है यहाँ पर ब्लैंक यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्जरी पोर्ट दिया है एंड uh, फिर ये यहाँ पे आप अपना जो मेमोरी कार्ड है इसे आप इंसर्ट करके आप इसमें गाने बजा सकते हो प्ले कर सकते हो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको चार्जिंग का जो पोर्ट है ये दिया है तो यहाँ पे आप अपने जब आपको इसको चार्ज करना है आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ पे ये माइक दिया है एंड दिस इज़ द बैक साइड यू कैन सी दिस ये मैंने आपको और एक चीज़ बतानी थी कि ये वेट में भी थोड़ा हैवी है मतलब यू कैन बकायदा आपको ऐसे फ़ील होगा कि यार अंदर यू नो मतलब इट्स नॉट लाइक एकदम कोई चीप प्लास्टिक के अंदर कोई एकदम ही हल्की सी चीज़ दे दी हो इट फील्स दैट देर इज़ समथिंग गुड इनसाइड दिस वन एंड चलो अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्पीकर हैं इसको हम पैर करते हैं मेरे मोबाइल से सो so डैट हम इस पर साउंड भी देखेंगे और इसके बाकी के जो फीचर्स जो मुझे आपको बताने हैं वो भी हम चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो बटन है इसको आपको करना है क्लिक एंड ये आपको थ्री सेकेंड्स के लिए दबा के रखना Bluetooth है mode. ये देखा ये इसने बता दिया अब यहाँ पे हम इसे पैर करेंगे तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ एक्स एक्समेट थिएटर आ चुका है एंड नाउ दिस इज पैड एंड इसकी आप लाइट्स आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बढ़िया है मतलब यार अलग दिखता है अच्छा दिखता है मज़ा आता है चलो अब हम इसमें एक गाना भी सुन लेते हैं कि इसका साउंड एग्जैक्टली कैसा है सो so, अब ये स्पीकर पैर होने के बाद अब हम इसका कर देते हैं टेस्टिंग सो so, ये जैसे कि आप देख सकते हो ये मोबाइल है मैंने अभी हमने इसको पैर तो कर ही दिया है अब हम यहाँ पे सिर्फ ये साउंड को करते हैं प्ले सबसे पहले ना मैं इसका लो साइड पे साउंड लेके जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका साउंड एग्जैक्टली कितना अच्छा है या कैसा बजता है ये देखिए सो so, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो इसकी जो एल जो लाइट्स है ये कितनी बढ़िया तरीके से बीट्स के साथ चेंज भी होती है एंड यू नो आई मीन इसका साउंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि चीपर वर्जन आई मीन 499 में एक बढ़िया अच्छा खासा स्पीकर एंड आप देख सकते हो कि इसकी लाइट्स जो है ये काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है ओवरऑल यहाँ पे ये जो एम का बटन है ये इन्होंने खास करके ये मोड्स के लिए दिया है कि अगर इस बटन को अगर लाइक अगर आप यहाँ पे ऑक्स यूज़ कर रहे हो या मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो या ब्लूटूथ पैरिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको ये मोड से इसको कर देना है चेंज बाकी ये तो आप देख सकते हो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये प्रीवियस सॉन्ग ये नेक्स्ट सॉन्ग एंड ये इससे तो मैंने वैसे ही आपको एलईडी लाइट्स को जो है चेंज करके बता दिया अगर आप चाहो तो आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हो ताकि इसकी थोड़ी बैटरी सेव हो जाए बट ठीक है एलईडी लाइट से कितना यू you नो know, इसका चार्जिंग ले लेगी एंड इसमें कुछ अच्छी चीज़ें ये है दोस्तों कि जैसे कि जैसे अभी आपने देखा था जब मैंने स्पीकर को पैर किया तो इसमें बेसिकली एक यू you नो know, एक ह्यूमन वॉइस जैसा एक इंटरेक्शन रखा है दैट ये पैर हो चुका है देन यू नो जब इसकी लो बैटरी होगी तो ये सेम तरीके से एक ये वैसे ही ये बताएगा अब जब इसे चार्ज करोगे तो अगेन यही इसकी एलईडी लाइट से जो यूज़ में आने वाली है सो so, इसका जो यूज़ है ये आप ब्लूटूथ वायरलेस कॉल्स करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो इसमें जो माइक दिया है आप इसका यूज़ कर सकते हो एंड इसके भी सारे फंक्शन जो है वो इसी बटन से होते हैं इनफैक्ट दोस्तों ये जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये पूरी बुकलेट में लिखी हुई है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है एंड इसके ढेर सारे जो फंक्शंस क्या है एंड ये मुझे अच्छा लगा दोस्तों क्योंकि ये इस बुकलेट में काफ़ी कुछ अगर इजीली समझा दिया हो तो इट इज़ रियली गुड नाउ कमिंग टू माय वर्डिक्ट ऑन द स्पीकर मैं आपसे यही कहूँगा कि इसकी जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है दिस इज़ अ रियली यू नो अ बेटर वर्जन ऑफ प्लास्टिक्स यू कैन सी ऑन द ब्लूटूथ स्पीकरस ये बटन्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट मटेरियल के लग रहे हैं एंड ये जो है ये जो रिंग है ये प्लास्टिक रबरिश काइंड ऑफ है इस्पेशली इसके ऊपर जो एल लाइट्स है ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी तो अगर आपके घर पे बच्चे हैं वगैरह है तो थोड़ा अच्छा लगता है एंड ऑब्वियसली इसका नाम जो है पार्टी स्पीकर है तो इस तरीके से इसमें दिया भी है एंड माय फाइनल वर्डिक्ट इज दैट इफ़ यू गेट इट इन दिस प्राइस रेंज ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज़ और बिलो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन क्योंकि काफ़ी छोटा है एंड काफ़ी इजी टू कैरी हो जाएगा अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो चाहे आप यू you नो know, बाइक पर जाओ कार में जाओ बस में जाओ ट्रेन में जाओ आप इसे इजीली आप इसे कैरी करके यू you नो know, आप आराम से आप गाने कहीं भी सुन सकते हो